हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का नया सेक्शन एनर्जी पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्क के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने ये पाया था कि वर्क तब माना जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है और उस फोर्स के लगाने का इफेक्ट यह होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। और तभी हमने कहा था वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, दैट वाज द वर्क। तो अब बात यह आती है कि मैंने जैसे कहा था पिछले लेक्चर में कि एक टेबल उठाइए, यहां से वहां डिस्प्लेस करिए, कौन करेगा। एक कोई पर्सन है जिसकी तबीयत खराब है, वीकनेस है उसकी बॉडी में, और हम उससे कहें कि इस टेबल को उठा के यहां से रखो वहां तक, कर पाएगा नहीं। और अगर कोई हेल्दी बच्चा है, काफी तंदुरुस्त है, उससे कहा जाए कि बेटा इस टेबल को यहां से वहां उठा के रखो, तो क्या करेगा, वो उठाएगा और फट से वहां रख देगा। अब दोनों में अंतर क्या आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक वीक है और एक हेल्दी है, स्ट्रांग है। अब वीकनेस और हेल्दी होना किस पे डिपेंड करता है। जो स्ट्रांग है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एनर्जी है। जो वीक है इसका मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट आया कि वर्क वो कर पा रहा है जिसके पास एनर्जी है, और वो नहीं कर पा रहा है या कर नहीं सकता है जिसके पास एनर्जी नहीं है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं व्हाट इज द एनर्जी। हमने देखा ना, एनर्जी से हमने वर्क किया ना, एनर्जी है तभी तो वर्क कर पा रहे हैं, यस। तो अब हम कहते हैं व्हाट इज द एनर्जी, तो कहते हैं कैपेसिटी टू डू द वर्क इज एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, यानी वर्क करने की कैपेसिटी एनर्जी है, राइट। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वर्क डन इज द एनर्जी, यस, ठीक है। तो वर्क डन कैसे होगा, अब वर्क डन होने के अलग अलग तरीके हैं, और इस बेसिस पर मैं आपको एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स बता रहा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, दैट्स इट, दिस इज द डेफिनेशन। अब मैं जब बात कर रहा हूं कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स, मैकेनिकल एनर्जी मालूम ही है, ठीक है, मैकेनिक्स के थ्रू, मैकेनिक्स क्या है, मोशन या पोजीशन, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, व्हाट इज अ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या है भाई, केमिकल्स के थ्रू जो एनर्जी रिलीज हो रही है, कैसे हो रही वो सेकेंडरी बात, बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फैन चल रहा है, किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से, तो दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी, सनलाइट से भी एनर्जी हो रही है, सोलर सेल है ना। मैग्नेटिक, नंबर ऑफ एनर्जी ज्यादा, ध्यान रखिएगा कि एनर्जी के कई फॉर्म है, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एटसेट्रा, नंबर ऑफ फॉर्म्स आर देयर, राइट। तो एनर्जी डिफाइन हो गया कैपेसिटी टू डू वर्क। अब जैसे हमने कहा हीट एनर्जी, हीट इंजन चल रहा है ना, स्टीम, कोल बर्न हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, उससे स्टीम बनी और स्टीम में ने पिस्टन को मूव कराया, क्या ये, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर हीट एनर्जी। तो कहने का मतलब जितने भी फॉर्म से हम यूज करेंगे और जहां भी वर्क हो जाएगा, दैट इज एनर्जी। अब चाहे किसी भी फॉर्म की हो, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल,
फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी, वॉट एवर इट मे बी, जो भी हो, ठीक है। तो दीज आर द एनर्जीज। तो आपकी क्लास में, आपके कोर्स में क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप की होती है? दो तरीके की। वन इज द काइनेटिक एंड अदर इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए, कैपेसिटी टू डू वर्क इज द एनर्जी। अब मैं बात केवल करूंगा मैकेनिकल एनर्जी, राइट? व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी? इट इज ऑफ द क्या? कैपेसिटी टू डू वर्क बाय सम मैकेनिक्स, और उसके बेसिस पर हम इसको दो फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, राइट? ये दो तरीके की है। नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? डिफाइन करता चलो साथ में, पहली काइनेटिक और दूसरी कौन सी है? सेकंड वन इज द पोटेंशियल। तो हम काइनेटिक डिफाइन कर दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। तो अब काइनेटिक यहां तक करते हैं, पहले ये लिखते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। मोशन के थ्रू जो भी वर्क करने की कैपेसिटी होगी, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। अब कैसे? जैसे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, पानी में है, किसी पॉन्ड में एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। अब मुझे उसको डिस्प्लेस कराना है यहां से वहां, तो कैसे करेंगे? खड़े खड़े तो नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? जैसे यहां देखिए, ये पॉन्ड है और यहां एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको मुझे डिस्प्लेस कराना है, और ये वाटर है यहां पे, तो मैं यहां से क्या करूंगा? एक ऑब्जेक्ट लूंगा, बॉल लूंगा, फेंक करके मारूंगा, तो बॉल यहां टकराएगी तो ये भागेगी, यहां आ जाएगी, यानी डिस्प्लेस हो गई ना। अब बॉल ने क्या किया? इसके ऊपर फोर्स लगाया, और उस फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ कि ये यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया। तो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क, और कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन किसकी वजह से आई? इस बॉल की मोशन की वजह से। तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। इस बॉल की एनर्जी से ये मूव की, यानी दिस टाइप ऑफ एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी, राइट? या जैसे आप देखो, एक कोई ऑब्जेक्ट कहीं हैंग कर रहा है, और धनुष बाण बो ले लिया एरो, और इस मारा कसके खींचा और वो गया, तो जा रहा मोशन से, और वो वेलोसिटी से जाके टकराता है उस मैंगो पे या फ्रूट, किसी भी फ्रूट पे, तो वो ब्रेक करके नीचे गिर जाता है, उसको ब्रेक कर देता है और नीचे फॉल करा देता है। किसकी वजह से फॉल हुआ? क्या हम उस एरो को जा करके हम जो हमारा जो भी स्टिक है वहां टकराते हैं तो क्या गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। चलो हम धनुष बाण की बात छोड़ देते हैं, एरो की बात छोड़ देते हैं, हम एक स्टिक ले लेते हैं, हम स्टिक को ले जाकर के मैंगो से टच कराते हैं तो क्या मैंगो गिरेगा? क्या मैंगो गिरेगा? नहीं गिरेगा। लेकिन जब हम स्टिक को तेजी से लेके जाके इस मैंगो पे गिराते हैं तो फट से गिर जाती है। तेजी से जा रही है स्टिक, जा रही है स्टिक, मोशन में है, यानी ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और उसके इफेक्ट से ये फॉल कर रही है। तो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो मैंने यहां पे लिखा है कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम पहले हम डिफाइन कर दे रहे बेटा, फर्स्ट आई एम डिफाइनिंग, उसके बाद मैं इसका एक्सप्रेशन डेराइव करूंगा। देखिए, फिर दूसरी क्या है? नंबर टू, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। वही शुरुआत तो पहले वही करेंगे, कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स
क्वेश्चन इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट, कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इज पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखिए क्या है, नीचे को रखा हुआ है ग्लास की प्लेट, शीशे की प्लेट रखी हुई है। अब हम एक छोटा सा स्टोन ले जाकर के अपने हाथ से ले जा रहे हैं, ये प्लेट रखी मानी हमने ले जाके इसके ऊपर ऐसे रख दिया, तो क्या एक ग्लास ब्रेक करेगा? नहीं। अब ग्लास यहां रखा, ये स्टोन यहां रखा हुआ है, यहां पे है पोजिशन, पहले यहां था अब पोजिशन उसकी ये हो गई, और अब मैं छोड़ दे रहा हूं, यहां पे छोड़ता हूं तो कुछ नहीं होता, वैसे रखा रहता है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पे छोड़ता हूं तो ये फॉल करता है और आकर के इससे टकराता है, इसको ब्रेक कर देता है, वर्क हो जाता है, उसको सेपरेट कर देता है। एक ग्लास प्लेट पीसेस में ब्रेक हो जाती है और पीस सेपरेट हो जाते हैं, वर्क हो रहा है ना, किसी वजह से, बाय द पोजिशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट ग्लास के ऊपर रखा होता तो ग्लास नहीं ब्रेक होता, इस पोजिशन की वजह से ऐसे गिर रहा है। पोजिशन, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ऐसे ही जैसे हम क्या करते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, राइट। अब देखिए, आपने देखा काइनेटिक एनर्जी, आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को और भी एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा था धनुष बाण है ना, एरो, तो मैंने क्या किया, उसको पीछे धनुष बाण पे ऐसे चढ़ाया और पीछे की ओर स्ट्रेच किया, खींचा। अभी धनुष बाण कैसा होता है देखो, वो कैसा होता, हाउ इज दिस, लाइक दिस, और अगर हम ऐसे ही करके छोड़ते तो क्या होगा, ये आगे जाएगा एरो, नो, तो हम क्या करते हैं इसको बैकवर्ड खींचते हैं स्ट्रिंग को, और अब छोड़ते हैं तो ये भाग करके आगे जाता, यानी ये पोजीशन इस स्ट्रिंग की यहां से यहां आ गई। इस वजह से, पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर हो गई, और जैसे ही छोड़ते ही इस एरो को ले जाकर के आगे चला जाता है। तो धनुष बाण में एरो जो मूव करता है, दैट इज ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग, राइट। तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स है भाई, घड़ी है, चाबी वाली घड़ी होती है ना, वॉच, क्या कर देते हैं उसकी की बढ़ते हैं, ये इसको छोड़ दो, खिलौने टॉयज हैं, दे आर टॉयज, स्प्रिंग वाले कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं स्प्रिंग को टाइट करते हैं, जब चाबी भरते कहते हैं हम लोग की फुल कर रहे हैं ना, चाबी भर रहे हैं, तो क्या करते हैं उसको स्प्रिंग को टाइट कर रहे हैं, तो स्प्रिंग लूज है तो काम नहीं करेगी, जब स्प्रिंग को टाइट करते हैं प्रेस करके या एक्सपैंड करके, तो क्या होता है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उसकी वजह से जैसे रिलीज करते हैं वो स्प्रिंग लूज होना शुरू हो जाती है और वो ट्वाय वर्क करना शुरू कर देता है। तो किसकी वजह से हुआ, पोजिशन, स्प्रिंग टाइट कर दिया, लूज होने लगी, लूज कर दिया, टाइट होने लगी, तो दैट इज ड्यू टू द पोजिशन, और दिस वॉज द कॉन्सेप्ट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको दो चीजें मिल गई कि वन इज योर काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब एक काम करिए, पहले इसको नोट करिए, फिर हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं, राइट। वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ दिस इज द टर्न टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट ले लें जिसका मास m है और वो किसी इनिशियल वेलोसिटी u, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता चला जा रहा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, अगर उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स f लगा दिया जाए तो क्या होगा, मान लीजिए इस फोर्स के इफेक्ट से वो ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है, अब उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी ना, और उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा। तो मैंने पहले से लिखा हुआ है, देखिए, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u व्हेन कांस्टेंट फोर्स f एक्ट्स ऑन इट, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस बाय डिस्टेंस s एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, फुल स्टॉप। In this condition, the work done will be, what is the work? W is equal to F into S. Work is equal to force into displacement.
यस, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। अब देखिए, बट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसका मतलब टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड देयरफॉर एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। ये एस मिल गया। एस कैसे मिलता? तो पहले हमने एस फाइंड कर लिया, क्या यू वेलोसिटी से चल रहा था, बाद में वेलोसिटी वी हो जाती है। वेयर ए इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ, ए एक्सेलरेशन है, ध्यान रखिएगा। तो एस मिल गया। अब देखिए, एंड एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अब ये एस और एफ इस इक्वेशन नंबर वन में पुटिंग पुट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं भाई, पुटिंग एफ एंड एस इन इक्वेशन वन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह क्या आएगा, एम इंटू ए इंटू एस की जगह आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, ए कैंसिल हो गया। मैं यहां पे लिख रहा हूं डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। इसको अरेंज करके वहां पे लिखा मैंने। अब कहते हैं मान लीजिए ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था, तो यू क्या हो जाएगा, जीरो। इफ ऑब्जेक्ट वॉज इनिशियली एट रेस्ट देन यू इज इक्वल टू जीरो, और अब इस यू को जीरो यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क हमने क्या बोला था, कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वी वेलोसिटी की वजह से। तो इसका मतलब एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बाद की काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर पहले की काइनेटिक एनर्जी, उसका डिफरेंस वर्क डन के बराबर आता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के फॉर्म में, कोई बात नहीं। फिलहाल यहां देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसका एक्सप्रेशन है, राइट। और आपको क्या मालूम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। अब यहां पर इसके और पब्लिकेशन दिख रही है, मास डबल करिए तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, वेलोसिटी डबल करिए टू, तो टू स्क्वायर फोर है ना। तो जहां पे जो बताते हैं मास कितना कर दिया, वेलोसिटी कितनी कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें वैल्यू पुट करके यू कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल। तो अभी एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, इसके बाद हम आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। यस, पॉज करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। देखिए सबसे पहली बात, कोई ऑब्जेक्ट है और हम उसको एच हाइट तक उठा के लेके जा रहे हैं, क्या चाहिए होगा, फोर्स ही होगा ना, वी विल नीड द फोर्स टू रेज द ऑब्जेक्ट अप टू हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब वो फोर्स क्या होगा, मिनिमम फोर्स कितना होगा, दैट मिनिमम फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। है क्या आपको मालूम है, ग्रेविटी क्या है, अर्थ सबको अपने ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट।
दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. तो मैंने लिखा हुआ है कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज रेज अप टू हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड. मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन दिस कंडीशन वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी क्या होगा. W इज इक्वल टू एफ इन टू डी और F क्या है mg हमने बताया. मिनिमम फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg और m मास है और हाइट h है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना और है h हाइट तक लेके जा रहे हैं. तो W इज इक्वल टू mg h और यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है एंड दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच. जैसे काइनेटिक एनर्जी को कहीं बोला था वैसे पोटेंशियल एनर्जी को एम जी एच बोलेंगे. स्टूडेंट्स वर्क में आपने देखा था ऐसा ही यूनिट क्या थी जूल ठीक है या न्यूटन इंटू मीटर थी. एनर्जी की यूनिट क्या होगी एनर्जी की यूनिट क्या होगी द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी सेम एज दैट ऑफ द वर्क बिकॉज ऑफ वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू मे बी मोशन ड्यू टू मे बी पोजिशन वॉट एवर इट मे बी राइट. तो इसका मतलब यूनिट क्या हो गया यहां पे लिख रहा हूं यूनिट ऑफ एनर्जी जूल ठीक है या न्यूटन मीटर वही रहेगी कोई नहीं ठीक है. जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन एंड वर्क डन इज एनर्जी राइट. तो अभी चाहे एनर्जी आपकी मेन एनर्जी हो काइनेटिक हो पोटेंशियल हो मैकेनिक कोई भी एनर्जी हो सबकी यूनिट जूल राइट. तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं और रिमेनिंग इन माय नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू गॉड ब्लेस यू. वीडियो पॉज करके पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन नोट कर लीजिएगा. थैंक यू.